I'm your host DM Numan Ali and you're listening Meet with Jinns. आज का वाकया जरार मलिक ने मुझे शेयर किया है और अपना ये वाकया वो कराची में एक गैर आबाद मकान के बारे में शेयर करते हुए बताते हैं कि मैंने बहुत ही स्पूकी एक्सपीरियंस किया जो कि बहुत ही डरा देने वाला वाकया था और इसमें जो है वो मैं किसी गैर मराई चीज़ के अपने ऊपर हावी हो जाने से बाल बाल मेरी बचत हुई। अपने इस वाकये को वो इस तरह बयान करते हैं कि मेरी मुमानी जो कि कराची से बिलोंग करती हैं उनकी शादी हुई रावलपिंडी में, तो कुछ अरसे बाद मेरे मामू का इरादा हुआ कि वो रावलपिंडी से कराची शिफ्ट हो जाएं। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी ये ड्यूटी आयद की कि मैं उनको रिहाइश के लिए मकान लेके दूं। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से मकान किराए पर देखना शुरू किए, जिनमें से एक मकान मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी मंजिल पर वो मकान वाकया था जिसमें बहुत बड़े बड़े कमरे थे। 10 मरले पर मुश्तमिल ये मकान था और नीचे का पोर्शन खाली था। जो सेकंड पोर्शन था वो मैंने मामू के लिए पसंद किया और बातचीत तय करके बयाना वगैरह कर दिए, मकान की चाबी वगैरह ले ली। मेरे पास गाड़ी थी उन दिनों, मामू रावलपिंडी से अपना कुछ मुख्तसर सा ही सामान लेकर आए थे जो कराची में हमारे घर में स्टोर रूम में रखा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रात के टाइम जब थोड़ा रश वगैरह कम होता है तो मैं खुद ही गाड़ी में इनके सामान की शिफ्टिंग वगैरह कर दूं। बताते हैं कि इसी प्लान को तरतीब देने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मामू का सामान अपनी गाड़ी में उस मकान में शिफ्टिंग शुरू की। अब ये पहला दिन ही था मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी में से सामान दूसरी मंजिल पर ले जा रहा था। वो बताते हैं कि जब मैं सामान लेकर ऊपर चढ़ा हूँ तो दरवाज़ा जो है उसका ताला वगैरह कुंडी खोलने के बाद जब धक्का दूँ तो वो दरवाज़ा जो है वो ना खुले। तो दिल में ख्याल और गुमान किया कि शायद ये कुछ अरसे से बंद होगा और धूल मिट्टी के अट जाने के बाद जो है वो दरवाज़ा जाम हो गया। बताते हैं कि जितनी मेरी फोर्स थी, मैं जवान आदमी हूँ, मैंने उसको खोलने की कोशिश की पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। झिंझला के मैं पलटा हूँ कि गाड़ी से कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ वजनी जो इसके ऊपर मार कर ट्राई करूँ कि दरवाज़ा खुल दे। तो बताते हैं कि अभी मैं पलटा ही हूँ, मैंने 2 से 4 कदम लिए ही होंगे नीचे जाने वाली सीढ़ी की तरफ, तो क्या देखता हूँ कि दरवाज़ा चिड़चिड़ाहट से अपने आप ही खुल गया। तो सामान जो था जो मैं नीचे से ऊपर लाया था वो दरवाजे के आगे ही ढेर था। मैंने उठाया और अभी मुझको 2 से 3 फेरे और भी मारने थे गाड़ी में, तो इस बात को मैंने नॉर्मल ही लिया।
और इस बात को गैर मरई और किसी भी तरह का रूटीन से हटकर वाका तस्वर नहीं किया। ताते के सामान वगैरह अंदर रखे दूसरा फेरा लगाया। जब लास्ट फेरा लगाकर ऊपर आया तो देखा कि किचन में से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे प्लेटें खड़कने की और चमचों के बजने की, जैसे कोई किचन में खड़ा जो है वो कोई चीज़ जो है वो खाने की खा रहा है और प्लेट पर चमचा लगने से खड़खड़ाहट जिस तरह आवाज़ निकलती है तो चमचे प्लेटें खड़कने की आवाज़ है। आते हैं कि किचन में जा के देखा तो कोई भी नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। बाहर ला गया अपना ताला शाला लगा। अगले दिन फिर गया तो अब जब दरवाज़ा खोला तो इजीली दरवाज़ा खुल गया, लेकिन जो बात बताने की है वो ये है कि हमारे भाई बताते हैं कि मुझे बकायदा घुटन का एहसास हो, जैसे ऑक्सीजन कम होती है, भारीपन महसूस हो सर में, वजन जैसे होता है कोई चीज़ जो है, दिल बैठने लगता है, कोई फिजिकली कोई चीज़ जो है आपकी बॉडी पर मुसल्लत होने लगती है, इस तरह का वो बताते हैं कि मेरी कैफियत। बताते हैं कि तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि जो सामान गाड़ी में रखा था उसी तरह रखे रखे मैं वापस आ गया दरवाज़ा बंद कर घर आया। ये बात किसी को नहीं बताई। बाला तबीयत वगैरह ठीक हो गई तो मामू मामी जो है हमारे घर पर ही थे बतौर गेस्ट, जब तक घर सेट नहीं हो जाता था। अब ये तीसरे से चौथा दिन रहा होगा, फिर चलते हैं सामान लेकर। फिर जनाब पहुंचे वहां पर, अब चौथे दिन जो है वो जहां पर वहां पर पहुंचे और सामान वगैरह रखा तो महसूस किया कि जो दूसरी मंजिल की बालकनी है, एक दरवाज़ा था जो सीढ़ियों से चढ़कर एंट्रेंस का था और एक मकान के दूसरी तरफ भी बालकनी थी जिसे आप बाहर देख सकते हैं, तो बाकायदा महसूस हो कि वहाँ पर एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी बालकनी में, कि वो चेयर जो है वो अपने आप ही जो है वो मूव कर रही है। बताते हैं कि मैंने बाहर जाकर देखा, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं है, और वो चेयर एकदम जो है वो रुक गई अपनी जगह से। लेकिन जब दोबारा घर में एंटर हुआ तो फिर महसूस किया कि वो चेयर की मूवमेंट की आवाज़ आ रही। तो बताते हैं कि मैंने इस चीज़ को अपनी जो है वो वहम ही करार दिया और जितना सामान मैं शिफ्ट कर सकता था मैंने किया। ये चौथे ही दिन की बात है कि मैंने किचन में बकायदा किसी चीज़ की प्रेजेंस को महसूस किया, जैसे पलक के झपकने में कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने से गुजर के जाती है। मैंने इस तरह महसूस किया कि कोई चीज़ है जो वारल किचन में है, तो अपनी दानिश में ये ख्याल किया कि शायद पीछे की खिड़की खुली रह गई है और कोई बिल्ली वगैरह है जो किचन में घुस आई है। तो किचन वगैरह में जाकर चेक करने की गर्ज से देखा तो खिड़की वगैरह बंद थी बिल्कुल ना। तो पलटने से पहले ऊपर देखा तो किचन इस तरह बना था कि अलमारियों के ऊपर भी एक छोटी सी नीम छत्ती थी जिसमें जो है वो आप बतौर स्टोर अपना सामान रख सकते। तो क्या देखता हूँ कि उस नीम छत्ती से कोई मुझको झांक के देख रहा है। अब ये देखना था तो मेरे जो है वो बदन के रोंगटे खड़े हों। बहरहाल जितनी जान थी जमा करके देखा तो क्या देखता हूँ कि वो कोई बच्ची है, 6 से 7 साल की उसकी उम्र होगी और
मुझको देखकर वो नीम छत्ती से इस अंदाज में खड़ी हुई जैसे कि मेरे ऊपर जम मारेगी, कूदेगी मेरे ऊपर, जिस तरह शरारत में आप किसी बच्चे को ऊंचाई पर चढ़ा दें और वो नीचे छलांग मारे और उस बच्चे का ये बिलीव हो कि नीचे वाला मुझे कैच कर लेगा। तो इस पोजीशन में वो चीज़ थी जो खड़ी हुई थी, और वो देखने में तो बच्ची थी पर वो थी कोई बूढ़ी औरत जिसका चेहरा निहायत हैबतनाक और खौफनाक था, और इस कदर उसमें हैबत थी कि मैं तो उस हैबत की ताब ना ला सका, और डर और खौफ से मेरे हवास जवाब दे गए और वो बताते हैं कि मैं जो हूँ उधर ही किचन में बेहोश हो गया। तो जब घर नहीं पहुँचा तो वालिद और वालदा को बता कर आया था और मकान भी जो है वो बाहर से दिखा चुका था। तो वालिद और वालदा पूछे छोटे भाई के हमरा, आके देखा तो दरवाज़ा खुला है और मैं किचन में बेहोश हूँ। बहरहाल मुझे उठा कर लेके गए वालिद साहब ने, जो मोटरसाइकिल पर आए थे उन्होंने गाड़ी वगैरह भी लेकर गए वहाँ से, जैसे भी अब उन्होंने जो भी उस टाइम वो कर सकते थे उन्होंने किया, अस्पताल वगैरह लेकर गए। और जब मुझको होश आया तो डर और खौफ से तेज़ बुखार में मुब्तला रहा। 2 से 3 दिन बाद जब अपना नॉर्मल रूटीन में वापस आया तो घर वालों ने बताया कि तुम हालत बेहोशी से उठ जाने के बाद एक ही चीज़ की गर्दान करते थे कि अभी उस घर में नहीं जाना, अभी उस घर में नहीं जाना। तो बताते हैं कि घर वालों ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है कि तुम इस कदर खौफ में मुब्तला हुए कि बेहोश हो गए, ऐसा तुमने क्या देखा। तो फिर तमाम वाकया घर वालों से गोशी गुजार किया, उस स्टेट एजेंट को पकड़ा, उससे पूछा तो उसने माजरत की और बताया कि ये घर जो है इसकी शिकायत आई है कि यह आसेब ज़्यादा है और एक माह से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं रुकता, तो मेरा इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे कल बयानी की। बहरहाल बयाना शाना वापस हुआ, वाले साहब ने उस स्टेट एजेंट को बहुत बुरा भला कहा कि अगर तुम्हारे इसी जो है वो गलत बयानी से मेरे बच्चे की जान चली जाती या नुकसान पहुंचता तो कौन जिम्मेदार होता। बहरहाल आपको पता है कि जो चीज़ हो जाती है तो उसके होने वाले नुकसान के बारे में कोई भी माजरत से ही तलाफी करता है, कर तो कोई कुछ नहीं सकता। बहरहाल दिन के टाइम वाले साहब ने मजदूर वगैरह लगा के मामू का सामान वापस उठवाया और फिर एक और अच्छी जगह पर उनको घर लेकर दिया। आज मामू वहाँ पर आबाद हैं कराची में, और जब सब लोग मिलके बैठते हैं और जिक्र छिड़ता है ऐसी गैर मरई चीज़ों के बारे में तो इस वाक्य को याद कर कर आज भी मैं डर और खौफ में मुब्तला हो जाता। तो ये वाक्य था जो कराची से हमें अरसाल फरमाया जरार मलिक ने। इसी बेहतरीन वाक्य के साथ अपने होस्ट DM नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।